मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। 21 दिन तक हाथ ऐसे धोना है ओसीडी ठीक हो जाएगी। पहले देखते हैं कि ओसीडी सफरर कैसे हाथ धोते हैं और नॉर्मल हाथ धोना क्या होता है वो आप देखेंगे। तो पहले आप इधर आ जाइए, पहले वो हाथ धोके दिखाइए जैसे आप धोते हैं, चाहे 3 मिनट लगे, चाहे 4 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, आपने अपने तरीके से हाथ धोना है। और ये कैमरा आपके हाथों पर रहेगा, इसमें आपका कुछ भी नहीं आने वाला। हाँ, पूरा वैसे बताइए जैसे आप धोती हैं, क्योंकि आज लास्ट बार ऐसे हाथ धोना है, उसके बाद तो फिर नए तरीके से। साबुन बड़ा लाके दें क्या? झाग आ ही नहीं रहा। हाँ, झाग नहीं आएगा तो साबुन काम नहीं करेगा, नीचे से बड़ा होगा, एक साबुन ला देना है। अच्छा, बिना झाग वाला साबुन साबुन नहीं होता है? बताइए। नहीं, पर इसमें तो बिल्कुल ही फीलिंग नहीं आया, लगा ही। हाँ, फीलिंग के लिए ये चल जाएगा। साबुन लग ही नहीं रहा था। ये रहा, ये ले, ये ले लीजिए, ठीक है, इसमें शायद आ जाए। ये तो लग से लग रहा है। लग से? शायद। मेरे को तो लाल लाल सा लग रहा है। इसमें तो आ रहा है अभी। झाग मतलब साबुन सही है। उनको कह दो आ गया था झाग, मिल गया, मिल गया। आ रखे और रखे। अच्छा, कोहनी तक धोना पड़ता है? नहीं। अच्छा, और नाखूनों को भी कुरेद कुरेद के? थोड़ा नेल्स कर लो। हाँ। अच्छा, यहाँ क्या होने का वहम आता है नेल्स में? नेल्स में अंदर कुछ फुसफुस ना गया, बस नेल्स में धो लेती हूँ। अच्छा अच्छा, देखते भी हो फ्रेश? फिर मैं कई बार, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ तो मैं ऐसे देख लेती हूँ कि देख लगा लिया है साबुन, ताकि उसे दोबारा ना उठाऊं। अच्छा, आंखें देखती हैं ऐसे? हाँ, भूलते भी तो हो ना, उसका हाँ, भी मैं तरीका बताता हूँ। तो इसलिए मैं फिर ऐसे जो है देख लेती हूँ, तो फिर याद रहता है कि देख भी लिया था, साबुन लग गया है। दोबारा नहीं, भी पूरा साबुन थोड़ा फिर निकलता नहीं है सही से, इतना लगाया होता है ना। अच्छा, एक ये दूसरा राउंड शुरू हो जाता है। दूसरा शुरू हो गया। इतने में हाथ ही घिस जाएंगे ना। अच्छा, नल को तो नहीं धोते ना? नहीं, वो सब तो छोड़ दिया। अच्छा, टैप वगैरह जहाँ से छींटा गिर जाए, वो कपड़े या छींटे का डर नहीं रहा? हाँ, ये सब चीजें तो छोड़ दिया। अच्छा, ये हाथ भी पहले भी कई बार धुलते थे, वो सब तो छोड़ दिया, पर एक बार में थोड़ा इतना धुल रहा है। हाँ, ये पैटर्न है आपका। हाँ, बस ठीक है। चलिए, मैं अब हाथ धो के दिखाता हूँ। तो ये टॉयलेट गंदी लगती है ना? चलिए, मैं हाथ धो के दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने ये टॉयलेट सीट के ऊपर हाथ रखा, ठीक है, अब मैं धो के दिखाता हूँ। पीछे हो, मेरे को निकलना था। हाँ, पीछे हो। तो आपको, आपकी समस्या क्या है कि आप भूल जाते हो, ठीक है? आप हाँ, भूल मतलब जाते हो। उस धोने के बाद वो उसे दिखाएगा, नहीं तुमने धोए। हाँ, तो अब आपने क्या करना है, पहले यहाँ आ जाए ना, 1 मिनट का एक प्रयोग करना आपने। आप यहाँ के खड़े हो गए, हाथ धोने से पहले क्या करना है, आंखें बंद कर लेनी है एक बार के लिए, और लंबा गहरा सांस लेना है, जो सांस की हवा है वो नाक से महसूस हो, अर्थात 500 ज्ञानेंद्रियों से आपने वर्तमान में रहना। आपके चमड़ी से वो सांस महसूस हुई ना, गर्म ठंडी, तो आप चमड़ी से जाग गए। फिर आपने सुनना है कि आसपास आवाजें कौन सी है, जैसे आवाजें आ रही है सुन ली, तो इसका मतलब कानों से भी आप अवेयर हो, वर्तमान में हो। दूसरा, जीव से कोई टेस्ट महसूस हो रहा है, उसको फील किया, तो आप जीव जो ज्ञानेंद्रिय है उसके प्रति भी जाग गए। उसके बाद जो नासिका, जिससे क्या स्मेल आ रही है, कुछ आ रहा है, वो महसूस करना है। हुआ, अब आंखें खोल के देखना है, दिख रहे हैं आसपास, दिख रही है चीजें, तो आप आंखों से जाग गए। अब आपने धोना है, अब धोते हुए भी अवेयर रहना है। जैसे आपने ये साबुन लगाया तो चमड़ी से फील हुआ, आंखों ने देखा, आंखें देख रही है ना, और स्किन से महसूस भी हो रहा है,
और कानून से आस पास की आवाजें आ रही है, तो अब मैंने साबुन लगा लिया, अब मुझे फील हो रहा है कि पानी ठंडा है, आंखें देख रही हैं, कान आवाज सुन रहे हैं और स्मेल, तो पांचों ज्ञानेंद्रियों पे फोकस रखना है। तो ऐसे कर लो जी एक बार के लिए, और इतना किया बस, झाग पूरा आए जरूरी नहीं है। वैसे इतना धोना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो आपको हाथ फील हो रहा है ना, इसका मतलब आपने धो लिए, जो विचार आता था वो ओसीडी का था। इस तरह से जाग करके हाथ धोना है, इसी होश को बरकरार रखते हुए, ठीक है। अब आइए आप इस तरह से हाथ धो के दिखाइए। हाँ, मैंने जो एक्सरसाइज बताई है उसके अनुसार पहले वहां सीट के हाथ लगाया ना, फिर एक मिनट के, हाँ हाँ, अब सोचना नहीं है, दिमाग तो लगाना ही नहीं है, दिमाग तो है ही नहीं ना। चलिए चलिए, हाँ हाँ, फास्ट फास्ट, बिना सोचे समझे, विचारों को बुलाते हुए, ओसीडी वालों विचारों को, फास्ट कैरी ऑन, जल्दी से, और कपड़े छोड़ दो, हाँ हाथ हाथ कपड़ों से हटाओ, आपने इसको जो कपड़े को पकड़े हुए है यहाँ पर, क्या बोलते हैं इसे, पजामा क्या, हाँ सलवार को छोड़ो, हाँ कपड़ों को पकड़ना नहीं है, हाँ हाथ लगाओ फास्ट, कपड़े तो पकड़ने दो, ना ना कपड़े नहीं पकड़ने, कपड़े छोड़ के फास्ट, जल्दी और फास्ट, दूसरा और लगाओ फास्ट लगाओ, आ जाओ, वेरी गुड। तो विचार आया मन में, क्या विचार आ रहा है, कोई विचार नहीं आ रहा मेरे मन में, नहीं बताओ क्या, सही में नहीं आ रहा, हाँ तो अब पहले फील करो बंद करके आंखों से सब चीजों से, हाँ कुछ सेकंडों की ये एक्सरसाइज है। क्या हुआ, मक्खी थी, अरे मक्खी तो आएगी ना, वो तो प्रकृति के जीव है, पांचों ज्ञानेंद्रियों से फील कर लो, वर्तमान में आ जाओ, आगे वर्तमान में, हाँ तो अब साबुन लगा लो और जो पानी गिर रहा है उसको फील करो, साबुन चमड़ी को लग रही है, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, आंखें देख रही है, बस वेरी गुड, इतना। अब इसको मसल लिया, ऊपर तक जाने की जरूरत नहीं है, बस अब झाग आ गए, आपके तो झाग बहुत जल्दी आते हैं, पता नहीं साबुन को भी पता लग जाता है, और ये नाखूनों वाला स्किप कर देना है, मैंने किया था नहीं था ना, तो नाखूनों में कुछ जाता ही नहीं है, नाखूनों वाला जो स्टेप है वो स्टॉप, बस अब देखना नहीं है, हाथों को ऐसे देखना नहीं है, जो साबुन ही लग गई, झाग आ गया, तो फिर देखना देखना तो बचता ही नहीं है ना। अब पूरा मसल लो से एक बार, बस बार बार नहीं करना, ऐसे उंगलियों को अंदर ही अंदर, बस स्टॉप हो गया, नहीं साबुन नहीं निकला, साबुन निकल गया, इतना ज्यादा नहीं रहता, बस हो गया, हाँ इसको, हाँ ये रगड़ना नहीं है, नहीं रगड़नी, साबुन नहीं निकला था, साबुन नहीं निकला तो छोड़ देना है। ये आपके हिसाब से नॉर्मल है या कैसा लगा आपको, इसमें कितनी एंजाइटी हुई, क्या लगा, एंजाइटी तो नहीं हुई है, मतलब बस अच्छा सा नहीं लग रहा, अच्छा सा नहीं लग रहा ना, लेकिन हाथ तो बिल्कुल साफ है, अच्छा सा क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि इतने दिनों की प्रोग्रामिंग है, आदत पड़ गई है, बार बार हम करेंगे, बार बार किसी काम को करते हैं तो हम सीख जाते हैं, बार बार इतना ही स्टेप करेंगे तो यही सीख जाएंगे, बार बार कर करके तो हाथ धोना सीख गए, अब बार बार इसी, इससे आगे नहीं बढ़ना, और ये ऐसे करते हैं ना ऐसे ऐसे, ये भी करने की जरूरत नहीं है, बस। और मैं बता दूं आपको सच्चाई, मैं 17 सालों से कभी साबुन से नहाया ही नहीं, 17 साल हो गए, 18 ही हो गए होंगे, तो साबुन से मेरा कोई रिश्ता नहीं, वैसे साबुन की जरूरत है नहीं, क्योंकि इस साबुन की सच्चाई मैं आपको बताता हूँ, नहीं वो तो पता है, खैर केमिकल वेस्ट वैसे होते हैं, साबुन लगाना नहीं चाहिए, वो तो पता है, अब पता है फिर भी हम आपको पता है ना, आग में हाथ डालने से हाथ जलता है, पता है या नहीं, तो आप रोज डालते हो, क्यों नहीं डालते, ओसीडी ने आपको मोह लिया है, हमें पता है कि हमें मिर्ची नहीं खाने, वो कड़वी होती है, तो हम रोज नहीं खाते ना कड़वी चीज, तो जो पता है वो ना करें, वो पता होना होता है, पता है फिर भी हम करते हैं, वो पता नहीं है, ठीक है, पता तब लगेगा जब आप बार बार यही करोगे, फिर अचेतन मन को पता लगेगा, ये चेतन मन को तो पता है, लेकिन अचेतन मन तो नहीं मानता, हाँ यही हो रहा है, हाँ चेतन मन तो कहता ना कर, वो पूरा ना ही कर, तो इसलिए उसको मनाने के लिए बार बार करना है, 21 दिन तक आपने यही क्रिया करनी है, 21 दिन तक यही स्टेप फॉलो करने हैं, और इसमें भी आपने
30 सेकंड ज्यादा लगाएं, 30 सेकंड और कम कर सकते हो, कर सकते हो। देखते हैं करके, वो मेरे को एंड में ऐसा लग रहा था साबुन नहीं निकला। साबुन तो इसलिए हाँ, मैं थोड़ा, वो भी ओसीडी का विचार है कि साबुन नहीं निकला। नहीं, साबुन तो खैर पता नहीं। हाँ, पता नहीं यही ओसीडी, क्योंकि साबुन तो अगर फील हो रहा है तो साबुन तो था, तब लग रहा था कि साबुन नहीं निकला, इसलिए वो क्या है कि ओसीडी ने इतना मोह लिया कि वो आपकी मेमोरी है जो याददाश्त है उस पर काबू कर लेता है, वो वही महसूस करवाता है जो वो चाहता है। ठीक है, चलो अब मन में कोई घबराहट कुछ भी नहीं है, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज हर रोज।